हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल आज कर रहा हूँ लेनोवो S5 प्रो का एक छोटा सा गेम प्ले पबजी का। एक घंटा मैंने खेली है और हम देखेंगे कितनी बैटरी ड्रेन करता है और क्या टेम्परेचर रहता है। इस टाइम मेरा फ़ोन है 43% पे, आप देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस की है मैंने। और शुरू करते हैं पबजी का गेम प्ले। तो स्टॉप वॉच चला ली है मैंने साइड पर और ये चाइनीज़ वर्जन खेल रहा हूँ मैं पबजी का। तो पहले देखते हैं इसके ग्राफिक्स। तो हम इसमें HD में नहीं खेल सकते, नॉर्मल में खेल सकते हैं। स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है ये फ़ोन और 6 GB रैम है इस फ़ोन में। तो एक छोटा सा लगाऊंगा मैच, मैंने स्किप कर दिया है गेम प्ले। मैंने पहले 2 मैच खेले थे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे, एक एक किल ही मिला। तो ये मेरा लास्ट मैच है, तो ये 28 बंदों का मैच खेल रहा हूँ। तो इसमें मुझे किल मिले तो मैंने यही सोचा दिखाता हूँ। तो गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है, मतलब स्नैपड्रैगन 636 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 6 GB की रैम है तो वो बढ़िया लगा। आप देख सकते हैं गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है। फ़ोन की प्राइस भी अच्छी है, 13-14 हज़ार के पास ये है चाइना में। इंडिया में कब लॉन्च होगा ये तो लेनोवो ही बता सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे। अगर आप इम्पोर्ट करना चाहते हो तो आप गेयरबेस्ट, अली एक्सप्रेस, ट्रेंडिंग शेंजन या फिर आप गीक बाइंग से ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी टीम का एक प्लेयर हो गया है शहीद। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं पास में, तो गेम प्ले काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ, लैग नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बचा स्कोप नहीं है मेरे पास, तो एक किल मिली मगर घर में है बंदा तो नहीं मार पाऊंगा मैं उसे। तो इसका कैमरा रिव्यू मैंने डाल दिया था पहले, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, लिंक में भी दे दूंगा मैं आपको। फ़ोन मुझे ये ठीक ठाक लगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 636 अब मुझे इतना पसंद नहीं है, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 660 तो होना ही चाहिए फ़ोन में। तो ये रहा एक और बंदा, फिर बचा। तो पहली किल मिली मुझे और ये दूसरी किल, अरे अरे अरे। तो एक और है यहाँ पर, चलो ये तीसरी किल भी मिल गई। परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मोस्टली आजकल लोग पबजी खेलना पसंद करते हैं फ़ोन में, तो काफ़ी स्मूथ चल रही है बिना लैग के। नियर अबाउट मुझे 1 घंटा होने को आ गया है तो बिल्कुल भी हीटेड अप नहीं हुआ फ़ोन, स्मूथ चल रहा है और एक बार भी लैग नहीं फेस किया। स्नैपड्रैगन 636 में भी एक बार लैग नहीं हुआ तो ये बढ़िया चीज़ लगी। तो एक प्लेयर रह गया है और गेम ख़त्म होने को है, तो वो है कहाँ भाई? तो ये मेरा टीममेट कुछ भी नहीं कर रहा, बस इधर उधर भाग रहा है, मुझे भी मरवाएगा आप भी मरेगा। तो अगर आप गेमिंग के हिसाब से फ़ोन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, स्मूथ गेम प्ले हुआ है। 6 GB रैम, रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी मैनेज करती है ये, देखा मैंने कहा था ना ये मरेगा। तो अरे अरे, तो यहाँ हुई गेम प्ले ख़त्म। सेकंड आए हैं हम इस मैच में और मुझे मिली है 4 किल, बाकी मेरे टीममेट कुछ भी नहीं कर पाए। तो 57 मिनट्स हो चुके हैं, टेम्परेचर देखते हैं तो 35 डिग्री और 33 डिग्री और फ्रंट से 36.8, तो टेम्परेचर अच्छा है, स्मूथ है। तो बैटरी देखेंगे तो 20%, तो मतलब एक घंटे में, नियर अबाउट 1 घंटे में हमने 23% यूज़ की है पबजी में। तो बढ़िया लगा मुझे फ़ोन गेमिंग के हिसाब से। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।